हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं सरंग और आप देख रहे हैं ऑफिशियल टेक न्यूज़। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत खुशखबरी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों अभी फिलहाल ही में क्या है कि एक लड़का जो कि युवराज सिंह नाम का, जो कि टिकटॉक में सुपर स्टार बन गया भाई। आप तो भाई बहुत बड़ा सुपर स्टार बनने जा रहे हो, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, न्यूज़ देखे होंगे आप, इसके जो टिकटॉक वीडियोज होते हैं आप बहुत कुछ देखे हैं। अब इसका जो टिकटॉक में 1 मिलियन के ऊपर ऑलरेडी फॉलोअर्स है, टिकटॉक का स्टार बन गया, और साथ ही में इसका डांस का जो परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया, गजब डांस करता है। इसको देख के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी इसको देखकर, इसका डांस को देखकर और इसका डांस करने का जो मूवमेंट है उसको देखकर सब इंस्पायर होने लगे। अब इसको बहुत सारे लोगों से बुलावा आ रहा है, देखिएगा काफी अच्छा और मजेदार है। देखिएगा इतना बड़े बड़े सुपर स्टार जो ऋतिक रोशन और जैसे क्या टाइगर श्रॉफ, ये लोग इतना अच्छा डांस करते हैं, बॉलीवुड का बादशाह है ये लोग। आप खुद ये लोग इंस्पायर हो इनके डांस को देखो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे स्पेशल थिंग्स क्या है कि आपका जो पैर यूज करने का, जो पैर से जो पैरों से डांस करता है उसका मूवमेंट को देखे हैं, काफी गजब है, कोई नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि देखा जा रहा है कि जैसे माइकल जैक्सन था, जो उसका जो हर चीज इन्होंने कॉपी करके रखा है, और साथ में इसका मूवमेंट भी काफी कर रहता है, उसका पैरों से चलने का, इसका जो हर चीज दिखाने का चीज बहुत ही बढ़िया रहा। आप देखिएगा बहुत ही मजेदार है दोस्तों। देखिए हर किसी का नसीब एक चरण एक फल में हर सेकंड में यानी चेंज हो सकता है, और आपके पास टैलेंट है तो आपका नसीब कभी भी बदल सकते हैं। देखिए ये रातों रात टिकटॉक स्टार से देखिए आप कहां पहुंच गया। आप देखिए बॉलीवुड में से भी इसको कुछ इसी तरह इंस्पायरिंग चीज आ रहा है। देखिए हर चीज बड़े बड़े लोग इसको इंस्पायर होने लगे इसको देखकर, और इनका जो डांस परफॉर्मेंस को देखकर आप बॉलीवुड भी खुद इनसे मिलना चाहते हैं, मिलने भी लगे हैं। आप खुद देख सकते हैं, काफी ये खुशी की बात है दोस्तों कि हमारे भारत में, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी है जो जो कि गुप्त सीक्रेट चीज होते हैं, जो कि उसका टैलेंट बिल्कुल हाइडिंग छिपा हुआ रहता है, लेकिन वो टैलेंट जो है हमें दिखाई कम पड़ता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको तब दिखाई देता है जो वो सोशल मीडिया पे के जरिए जो है वो दिखाना शुरू करता है। धीरे धीरे लोगों के ऊपर नजर में पड़ जाता है, तो उनको उनके बारे में सब कुछ धीरे धीरे सभी लोगों के पास पता चल जाता है, और इसी तरह बड़े बड़े लोगों के पास ये चीज पहुंच जाते हैं। अब देखिएगा युवराज सिंह, इसको लोग माइकल जैक्सन बुला रहे हैं, बाबा जैक्सन बुला रहे हैं, या क्या बुलाएंगे, ज्यादा इनको पसंद है, इसको शौक है, इसका नाम बाबा जैक्सन ही बुलाए, शायद इनका नाम बाबा जैक्सन रख दिया जा रहा है। इसे तो इनका नाम है युवराज सिंह, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। काफी अच्छा है दोस्तों, टिकटॉक से ये फेमस हो गया दोस्तों। आप इसका मतलब आप कहीं से भी, अगर आपके पास टैलेंट, वो टैलेंट है किसी प्रकार की टैलेंट है, आप उसको हार मानिए मत, नेवर गिव अप। इफ यू हैव एनी टैलेंट अबाउट टू डू एनीथिंग, आप जिस चीजों में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं उसी चीजों को आप फोकस रखिए, निश्चित रूप से आप उसी में सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। उसी में डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी क्या चाहते हैं, आपका राय क्या है, आपका दिमाग, आपका मन, आपका सोच क्या बताता है, इसके अनुसार आप चलिएगा। बाद में देखना आपका डेस्टिनी कहां तक है, वहां तक आप जरूर पहुंचने का चांसेस 100% रहेगा, अगर आप उसमें गिव अप यानी हार नहीं मानोगे तो। इसी तरह हर किसी का ना किसी प्रकार के जो है टैलेंट जरूर रहता है दोस्तों। अब देखिए युवराज सिंह जो है इतना अच्छा डांस करता है, इसका पैरों से जो डांस करने का मूवमेंट है काफी बढ़िया है, और अच्छा ढंग से डांस करता है, और जितने बड़े बड़े स्टार है बॉलीवुड का सभी लोग इनको, इनका डांस को देखकर सभी इंस्पायर होने लगे। अब देखिए अब ये इतना फेमस हो गया, रातों रात पूरा फेमस हो गया। देखिए इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं, अगर आपके पास भी टैलेंट है तो वो चीज आपके अंदर टैलेंट है कुछ करने का, ये हम जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डांस करना है आपको, क्योंकि टैलेंट हर किसी के पास अलग अलग प्रकार के टैलेंट होते हैं करने का, दिखाने का। अगर आपके पास भी कई प्रकार के टैलेंट है उसको छिपा के मत रखिए, दिखाइए, अगर है तो जरूर दिखाइए, शर्माइए मत, घबराइए मत, अगर शर्माओगे घबराओगे वो जो है आपके लिए हानिकारक है। इसलिए ये डर और शर्माने का चीज जो है आपको बिल्कुल दिमाग से हटाना पड़ेगा, दूर कर देना पड़ेगा, और एक अच्छाई रूप को, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मेरे जो पास क्वालिटी है वो मैं करके दिखाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसका सामना करूंगा। तो आपके दिमाग में, आपका सोच में ये इस प्रकार के जो है होनी चाहिए, ताकि आप लोगों तक, हर किसी के पास, हर किसी के हद तक आप ताकि उसको पहुंचा सके कि लोग ताकि देखे, हाँ ये बंदा तो सही है, आखिरकार इसके पास है टैलेंट। या तो आपके पास टैलेंट है आप छिपा कर रहोगे, तो आप किसको पता होगा कि आपके पास टैलेंट है, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं चलेगा। इसी प्रकार देखिएगा, इसी तरह आप भी अगर आपके पास टैलेंट है तो जरूर करके देखिए। ये जो है युवराज सिंह जो है, आप बाबा जैक्सन बन गया युवराज सिंह से, देखिएगा क्योंकि इसका डांस का परफॉर्मेंस बहुत गजब लगा। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जो डांस करने का मूवमेंट होता है, पैर को हिलाने का जो मूवमेंट है, उनसे भी बहुत बेहतर लगा मुझे इनका मूवमेंट, जब मैं इनका टिकटॉक वीडियो वायरल करते हुए, जैसे उनका वो वायरल हो गया था वीडियो, तब से शुरू हो गया। काफी दिनों पहले इसका एक वीडियो आया था, देखा था टिकटॉक वीडियो में बहुत दिनों पहले, उसका अगले या एक दो दिन के बाद वो पूरा कपड़ा वायरल हो गया था। मैंने यूट्यूब में देखा था उसका वीडियो एक बार, जो कि टिकटॉक का है, उस दिन उसको वायरल नहीं हुआ था, जैसे एक दो दिन के बाद देखा कि पूरा कपड़ा वायरल हो गया, पूरा बॉलीवुड स्टार भी उसको ट्वीट करने लगे कि हाँ वैसे बंदा कौन है, जैसे ऋतिक रोशन ट्वीट किया था कि अरे वो बंदा कौन है, हु इज दैट मैन, कहां से है वो, कौन है, मतलब ऋतिक रोशन इसी प्रकार का ट्वीट किया था कि वो जानना चाहता था कि वो कौन है इस प्रकार, क्योंकि वो उन्होंने खुद युवराज सिंह को यानी बाबा जैक्सन को देखकर उन्हें खुद इंस्पायर हो गया था कि इसका डांस परफॉर्मेंस हो।
हालांकि ये तो खुद एक बड़ा स्टार है कि डांस करने का पूरा बादशाह है डांस का। आप सोच सकते हैं दोस्तों इसका मतलब आपके पास वो टैलेंट है तो आप करके दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार आई होप कि दोस्तों ये ज्यादा नहीं बताएंगे, इस वीडियो को यहाँ तक आप देख सकते हैं और सोच भी सकते हैं, अगर आपके पास वो टैलेंट है छिपा के मत रखिए, वो दिखाइए और लोगों तक पहुंचाइए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बिल्कुल पसंद है, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम के दोस्तों, बाय।